morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, कल हमने हिंदी व्याकरण में पाठ दो वर्ण विचार और उच्चारण को पढ़ा था। उसमें हमने वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। इसके बाद हमने वर्णमाला को पढ़ा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। फिर हमने स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं वो पढ़ा। स्वर के कितने भेद हैं, स्वर के तीन भेद हैं, हर्षो, दीर्घ और प्लुत स्वर। हर्षो स्वर जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिन्हें बोलने में दो मात्रा का समय लगता है, मीन्स हर्षो स्वर से दुगना समय लगता है, और प्लुत स्वर में तीन मात्रा का मीन्स तीन गुना स्वर लगता है, वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। फिर हमने व्यंजन को पढ़ा, व्यंजन के भेदों को पढ़ा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसम व्यंजन। आज हम उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे और वर्ण विच्छेद को भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान, सबसे पहले हम जानेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, मीन्स मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। क्या कहा है, मुख के जिस भाग से जो भी वर्ण बोला जाता है वह उस भाग का उच्चारण स्थान कहलाता है। अब ओके स्टूडेंट्स, अब हम उच्चारण स्थान को देखते हैं। उच्चारण स्थान में मैंने एक ट्रिक लिखी है, सबसे पहले हम उस ट्रिक को देखते हैं और फिर बाद में समझते हैं। अब को है बोलो कंठ से, इचियस बोलो तालू से, रट रीसी मुर्धा से, मैं तुलसी चबाओ दंत से, उप ओष्ट से, ओ औ कंठोष्ट, ए आए कंठ तालु व दंतोष्ट से। आप सभी ने पहले इस ट्रिक को लर्न कर लेना है। अब हमारे सामने है अकुह, अकुह में देखिए सबसे पहले वर्ण क्या है, ए और आ, इसमें हमारे दोनों आ जाएंगे, ए भी और आ भी। ओके स्टूडेंट्स, ए आ, अब कु में होता है कवरक, जो हमारे व्यंजन में पांच वर्ण है, कवरक सबसे पहले वाला है कवरक। कवरक में हमारे पांच वर्ण आते हैं, कै कै गै घै ड, और लास्ट में हमारा है। तो ये कहां से बोला जाता है, कंठ से, मीन्स अकू है बोलो कंठ से, ए आ और कवरक और है कहां से बोला जाएगा, कंठ से। इचियस बोलो तालु से, इचियस में देखिए हमारी आई ई, दोनों ई आ जाएंगी, छोटी भी और बड़ी भी। फिर है चे, चे मीन्स चबरक वाली लाइन, चे छे जय जय ये, और फिर ये और से। इचियस बोलो तालु से, ये कहां से बोला जाएगा, तालु से। रट रीसी मुर्धा से, तो इसमें समझिए कैट्रिक हमारी रे होगा और टवरक, रे और टवरक वाली लाइन, और फिर री और से, ये कहां से बोला जाएगा, मुर्धा से, रे टैट है डे ढेण है और री और श। मैं तुलसी चबाओ दंत से, इसमें आएगा हमने तुलसी को देखना है, तुलसी में देखिए तय, तय से क्या बनता है, तवरक, तवरक में हमारे पांच वर्ण है, तय थे दे दे ने, और फिर ल और स, ल और स, ये कहां से बोले जाएंगे, दंत से, तय थे दे दे ने ल और स। उप ओष्ट से, उ, दोनों उ आ जाएंगे इसमें हमारे, छोटा भी और बड़ा भी, और फिर बाद में क्या है, पै, मीन्स पवरक वाली लाइन, पै पै बै बै, मैं, ये कहां से बोला जाएगा, ओष्ट से। नेक्स्ट है बेटे हमारा ओ और औ, ओ औ कंठोष्ट, ओ औ बोला जाता है कंठोष्ट से। नेक्स्ट है ए आए कंठ तालु, और वह जो वर्ण बच गया हमारा वह बोला जाता है दंतोष्ट से। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा वर्ण विच्छेद। सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। क्या कहा है, जो शब्द होता है उस शब्द से एक एक वर्ण को
अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। विशेष, जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें उसमें दो मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, उच्चारण के समय वर्ण की ध्वनि जिस स्थान पर सुनाई पड़े विच्छेद के समय उसे वहीं लिखे। क्या करना है, जब हम उच्चारण उसे बोलते हैं विच्छेद करते समय, तो जो भी ध्वनि सुनाई पड़ती है उसे उसी विच्छेद के स्थान पर लिखना होता है। सेकेंड है, सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाया जाता है, स्वरों के नीचे नहीं। अब मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं जिनके मैं आपको विच्छेद करके दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहला शब्द हमारे पास पुस्तकालय, तो पुस्तकालय काम करेंगे वर्ण विच्छेद। सबसे पहले बेटे आपने ऐसे देखना, सबसे पहला वर्ण क्या हमारे पास, पू। तो देखिए, पै में क्या जुड़ा है, पै हमारा व्यंजन है, इसके नीचे मैंने लगा दिया हलंत, और जमा में कौन से ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की, तो हम क्या लिख देंगे, छोटा ऊ, पै का हो गया हमारा। नेक्स्ट हम आगे फिर देखेंगे, आगे क्या है, से, जो अपने आप में क्या है, आधा, तो इसके अंदर कोई भी एस वर नहीं लगा हुआ। नेक्स्ट है हमारे सामने तय, तय के अंदर कौन सा व्यंजन लगा हुआ है, ए, तय जमा में ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास का, तो का में देखिए क जमा में आ। नेक्स्ट हमारे पास ले, ले में देखिए ल जमा में ए। नेक्स्ट हमारे पास ये में क्या लगा हुआ है, ए। तो ये हमारा वर्ण विच्छेद हो गया पुस्तकालय का। नेक्स्ट हमारे पास लक्ष्मण, तो देखिए सबसे पहले हमने लिया ल को, ल के अंदर क्या है, ल और ए, ल के नीचे लगा दिया हमने हलंत। नेक्स्ट है अक्षय, शय किससे बनता है, क जमा में स और जमा फिर है, लेकिन हमारे सामने है आधा, तो इसके अंदर क्या लगा हुआ है, क और श दोनों ही आधे हैं, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसमें स्वर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मैं जमा में ए, और फिर लास्ट है बेटे हमारा अने जमा में ए, तो ये क्या हो गया, लक्ष्मण। एंड लास्ट है हमारा हिमालय, हिमालय में देखिए सबसे पहले हमारे सामने ही है, और कौन सी ही है, छोटी, तो छोटी लिख देंगे, फिर है माँ, मैं जमा में आ, और फिर आगे है ले, ले जमा में ए, और फिर लास्ट है बेटे ये जमा में ए। ओके, तो आपने इस तरह से एक एक वर्ण को अंडरलाइन कर लेना है और फिर उसका विच्छेद करते हुए जाना है। आशा है आज हमने अपने पाठ वर्ण विच्छेद और उच्चारण में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने सबसे पहले वर्ण के उच्चारण को पढ़ा था कि जो वर्ण है उसका उच्चारण मुख के किस किस भाग से होता है, उसमें मैंने आपको एक कविता के आधार पर समझाया है। उसके बाद हमने वर्ण विच्छेद को किया था, शब्दों से एक एक वर्ण को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसमें दो मुख्य बात थी, एक वर्ण विच्छेद करते समय जब हम उसका उच्चारण करते समय जो भी ध्वनि जिस भी स्थान पर आती है उसे वहीं पर लिखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट था, वर्ण विच्छेद करते समय सभी व्यंजनों के नीचे हलंत आता है और स्वरों के नीचे नहीं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।